हेलो मित्रों, नमस्ते। स्टेट विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचआर कांस्टेबल भर्ती के बारे में। बहुत सारे विद्यार्थियों के डाउट आ रहे थे कि सर, इस भर्ती में क्या सिलेबस रहने वाला है, किस प्रकार से इसकी चयन प्रक्रिया होगी, सैलरी क्या रहेगी, कब तक इसका एग्जाम होगा। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नीचे लाल कलर का बटन है, उसे आप दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में घंटी का बटन है, उसे भी आप प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले समय में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती के बारे में बेसिक जानकारी देना चाहता हूं। यहां पर एचआर पुलिस कांस्टेबल में जो वैकेंसी निकली है दोस्तों, 7298 पदों पर ये बहुत बड़ी भर्ती निकली गई है। और जिन्होंने अभी तक दोस्तों आवेदन नहीं किया है, 10 फरवरी से पहले पहले आप इसमें आवेदन कर सकते हो। अंतिम तिथि इसकी 10 फरवरी है। अब एक बार इसकी एग्जाम तिथि के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो परीक्षा तिथि है जो दोस्तों 28 मार्च को इसका एग्जाम होने वाला है। साथ में अगर बात की जाए दोस्तों पेपर में, तो 100 प्रश्न आपके आने वाले हैं और 80 मार्क्स के यहाँ पर जो है ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। 20 नंबर इसमें अतिरिक्त दिए गए हैं दोस्तों, यानी जो मेरिट बनने वाली है वो 100 नंबर में से बनेगी। और 20 नंबर कौन कौन से दोस्तों, आप सभी को मैंने पहले बता दिया है वीडियो डाल के, तो अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, उसको जाकर आप देख सकते हो। उसमें ग्रेजुएशन, फर्स्ट ग्रेजुएशन, अगर आपके फैमिली के अंदर कोई जॉब नहीं है गवर्नमेंट, तो भी आपको वहाँ पर बहुत सारे जो अतिरिक्त अंक मिलने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों समय की बात की जाए, तो आपको यहाँ पर पूरा 1.5 घंटा दिया जाएगा, यानी 90 मिनट आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। अब इसके पाठ्यक्रम पर एक बार नज़र मार लेते हैं दोस्तों कि इसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो बहुत ईजी इसका पाठ्यक्रम है दोस्तों। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप भी कर रहे हो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या बाकी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी, तो टेस्ट बुक आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज यहाँ पर, जिसमें आपको 31 फुल टेस्ट मिलने वाले हैं, 49 ऑफिशियल चैप्टर टेस्ट मिलने वाले हैं, 56 चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, 26 पिछले वर्षों के जो पेपर है वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सभी लैंग्वेज के अंदर आप यहाँ पर जो टेस्ट दे सकते हो मात्र 21 रुपये पर मंथ के हिसाब से दोस्तों। तो आप जल्दी कीजिए, टेस्ट सीरीज में टेस्ट देकर अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए दोस्तों। और साथ में दूसरे जो कम्पिटेटिव एग्जाम है, जिसमें SSC, बैंकिंग, रेलवे, इन सभी के लिए भी दोस्तों यहाँ पर जो है आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 299 रुपये पर ईयर के हिसाब से दोस्तों। तो आपको बहुत सारी यहाँ पर जो है एक तैयारी करने का मौका यहाँ पर मिल जाएगा, और ग्रुप डी के लिए भी यहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप मेरे कोड का यूज करोगे दोस्तों SMK, तो आपको 30% एक्स्ट्रा यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मित्रों देख सकते हो यहाँ पर, सबसे पहले दोस्तों इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें सभी जो सब्जेक्ट है वो इंक्लूड कर रखे हैं। तो GK और जो GS है, GK और जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, वो आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे 30 सवाल, ठीक है। उसके बाद में रीजनिंग के आपसे पूछे जाएंगे 20 सवाल। बाकी अगर बात की जाए दोस्तों तो गणित के सवाल पूछे जाएंगे 10। उसके बाद बात की जाए दोस्तों यहाँ पर, तो कंप्यूटर के पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन। आगे अगर बात की जाए दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी के सवाल पूछे जाएंगे 10। इसके बाद में दोस्तों जो हरियाणा GK है उसके सवाल पूछे जाएंगे मात्र 15। अब दोस्तों हो सकता है इसमें एक दो सवाल ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन इसके आसपास ही जो है सवालों की संख्या यहाँ पर रहने वाली है। उसमें फिक्स सिलेबस में ये नहीं बता रखा है कि हम इतने सवाल पूछेंगे। अप्रोक्सली जो पिछली बार के पेपर हुए थे उसमें इतने ही सवाल वहाँ पर जो है आए हुए थे इस सब्जेक्ट से दोस्तों। तो बहुत ही आसान सा सिलेबस है दोस्तों, क्योंकि ये जो है सारे कॉमन सिलेबस है, रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, करंट अफेयर्स हो, GK हो, कंप्यूटर हो, हिंदी या अंग्रेजी। बाकी केवल आपको हरियाणा GK पढ़ना होगा, जो कि बहुत ही नॉर्मल है दोस्तों। आप एक अच्छी सी बुक लेके उससे आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा समय देने की भी अगर आपको आवश्यकता नहीं। अगर आपके ये सारे सब्जेक्ट अगर अच्छे से हैं दोस्तों, तो ये भी आप सोच सकते हो, यहाँ पर लगभग 85 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर 85 में से अगर आप 70 प्रश्न भी सही कर पाते हो दोस्तों, तो भी आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने के चांस रहेंगे, क्योंकि आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो वो सभी के लिए कॉमन है। और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर जो बाहरी राज्य के, जैसे राजस्थान के बच्चे हैं या UP बिहार के किसी भी स्टेट के बच्चे यहाँ पर जो है हरियाणा पुलिस में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी के अनुसार उनको वहाँ पर जो है रिजर्वेशन दिया गया है दोस्तों 5-10%। तो आप वहाँ पर अपना जो है पूरा दमखम दिखा सकते हो दोस्तों, और अपनी जो है तैयारी आगे बढ़ा सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों याद रहे, अगर आपने टेस्ट सीरीज टेस्ट बुक नहीं दी है टेस्ट बुक से टेस्ट सीरीज, तो आप टेस्ट बुक से टेस्ट सीरीज दे सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।